लेट मी रिवाइज, ध्यान से सुनो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गुप्ता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जब गुप्ता, सो ये कौन से सेंचुरी की बात हो रहा है? इट वाज द फोर्थ सेंचुरी। ये फोर्थ सेंचुरी में ही गुप्ता धीरे धीरे राइज करने लगे। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, एंड पर्टिकुलरली गंगा वैली रीजन में, राइट? तो गंगा वैली रीजन में फोर्थ यस सेंचुरी में एक नया डायनेस्टी का धीरे धीरे ग्रेजुअली उत्थान हुआ। उसका नाम था गुप्ता एम्पायर। ये गुप्ता एम्पायर 200 साल से ज्यादा साल तक हमारे यहाँ राज किया नॉर्थ इंडिया में। एंड ये जो पीरियड था, 200 साल से ज्यादा का पीरियड, फोर्थ सेंचुरी के आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, रिलीजियस टॉलरेंस आए, कल्चर में प्रोग्रेस आए, साइंस में अच्छा खासा प्रोग्रेस आया। इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में ही। तो ये सारे वैरायटी ऑफ फील्ड जो है, ये सारे फील्ड में ही तुम्हारा ऐसे प्रॉस्पेरिटी आया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग दिस एज एज अ गोल्डन एज? ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने सारे फील्ड में इतने सारे प्रोग्रेस आए। हमें मेटलर्जी में इतना शानदार रिसर्च मिला कि वहां पे गुप्ता टाइम पे एक ऐसा आयरन पिलर बनवाया गया आज से 1500-1600 साल पहले दिल्ली के मेहरौली के पास, तो वो आज तक कायम है। मतलब वहां पे रॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं हुआ, ठीक है? तो इसीलिए, एंड उसके अलावा कालिदास का बहुत सारे जो संस्कृत का वर्क, बहुत ही फेमस, मोस्ट फेमस संस्कृत एपिक्स, ये मेनली गुप्ता टाइम में लिखा गया था, राइट? तो इसीलिए हम गुप्ता पीरियड को बोलते हैं कि द गोल्डन इन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ लिसन द गुप्ता पीरियड। ओके, गुप्ता पीरियड के जो सोर्सेज हैं उसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, देन सेकेंड इज द लिटरेरी सोर्सेज। ओके, नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें खुदाई से मिल चुका है, एंड लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम पढ़ने वाले सोर्सेज होते हैं, राइट? लिसन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंपॉर्टेंट है, पहले तो अलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन, वहां पे बहुत सारा चीजें लिखा गया है गुप्ता के बारे में, तो वहां से हमें कुछ पता चलता है। एंड गुप्ता टाइम में बहुत सारा टेम्पल्स बनवाए गए थे जिसका रिमेनिंग आज भी है, ठीक है? तो वहां से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। देन द फेमस पेंटिंग्स ऑफ अजंता, वहां से भी, मुझे वो ना भी गुप्ता टाइम का है, वहां से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड उसके अलावा एग्जीबिशन से बहुत सारा गुप्ता इरा का कॉइन्स मिला है, तो वहां से भी हमें अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। नाउ दिस वेयर द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द गुप्त पीरियड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द गुप्त पीरियड। तो ये जो दो इंपोर्टेंट सोर्सेस है लिटरेरी का, उनमें से एक है द वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास, एज वी नो, इज अ वेरी वेरी फेमस संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो उनके बहुत सारा ऐसा प्लेज है तो जो इस पीरियड में लिखा गया था, तो उसको हम पढ़ के ये रियलाइज कर सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों का जीवन धारण कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसा चलन था सोसाइटी में, कास्ट का पोजीशन क्या था सोसाइटी में, वुमेन का पोजीशन क्या था, ये सब हम पता लगा सकते हैं कालिदास के वर्क्स को पढ़ के। एंड दूसरे कैटेगोरी जो लिटरेरी का है, वो है फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे अलग अलग टाइम पे इंडिया में, वो क्या क्या लिखे हैं। तो दो बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर आए थे इंडिया में गुप्ता पीरियड में, तो उनमें से एक है फाइयन, दूसरे हैं आइजिंग, ठीक है? तो ये आके कुछ कुछ लिखा है अपना जो मेमोयर में, तो उसको भी अवेलेबल है, उसको भी पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि गुप्त पीरियड में यहाँ पे क्या क्या चल रहा था। Is that clear to you? यस सर Okay.